सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। उजरा सिंह ने तहसील खटीमा के भारामल मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और जनपद प्रदेश और देश को सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। जिलाधिकारी ने बाबा भारामल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य हेतु गहनता से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि आने वाले श्रद्धालु एवं पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसलिए सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और कार्य हेतु धन की कोई कमी नहीं होगी। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई को निर्देश दिए कि मंदिर परिसर जंगल में स्थित होने के कारण आने वाले श्रद्धालु पर्यटकों के सायंकाल में देर होने पर सुरक्षात्मक दृष्टि से रोकने के लिए धर्मशाला का निर्माण किया जाए, कच्चे तालाब को पक्का किया जाए, पानी की पर्याप्त मात्रा में टंकी लगाई जाए, महिलाओं तथा पुरुषों के लिए एक एक बाथरूम, पुरुषों के लिए तीन तीन, महिलाओं के लिए दो लेडीज टॉयलेट की व्यवस्था भी की जाए और मंदिर परिसर में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाए जाएं। उन्होंने पानी की टंकी, शौचालय, बाथरूम, तालाब, इंटरलॉकिंग टाइल्स, धर्मशाला निर्माण हेतु डीपीआर तैयार कराने के निर्देश अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई सुशील कुमार को दिए। जिलाधिकारी ने जमीन पर बैठकर सभी के साथ प्रसाद ग्रहण किया। महंत श्री हरिगिरी महाराज द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने सुखी नदी का निरीक्षण किया और विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी ली। तत्पश्चात जिलाधिकारियों ने लोहिया हेड पावर हाउस स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचकर खंड विकास अधिकारी ने नगला में बरसात में जलभराव का कारण तथा निवारण के संबंध में शीघ्रता से रिपोर्ट जिला कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। असद खान, स्टेट हेड, उत्तराखंड। पवित्र स्थल पर आकर दर्शन करने का हम लोगों को अवसर मिला। यहाँ देखने के बाद ये महसूस हुआ कि इतने दूरस्थ क्षेत्र में और जंगलों के बीच में बहुत प्राचीन समय से स्थापित ये मंदिर है, स्थल है, और इसके प्रति लोगों की यहाँ जैसा कि जानकारी मिली है कि पीलीभीत, बरेली और इधर चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं, क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, इस स्थल का धार्मिक महत्व भी है। तो हम दोनों दृष्टियों से, पर्यटकों की दृष्टि से, जो श्रद्धालु आते हैं उनकी दृष्टि से भी, हम लोगों ने पूरा प्लान तैयार करने के लिए पूरी टीम यहाँ अपने साथ में लेके आए हैं। हमारे साथ CDO साहब हैं, इंजीनियर साहबान हैं, और जैसा कि अभी बातचीत में आप लोगों ने सुना कि क्या क्या ज़रूरत है यहाँ पर, चाहे पानी पीने की व्यवस्था हो, चाहे बरसात के दिनों में इस परिसर के भीतर लोगों के आने जाने की सुविधा की है, टाइल्स लगाने की बात है, या जैसे कि कुछ श्रद्धालु रात में यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि शाम होने के बाद बाहर निकलना थोड़ा सा जंगल होने की वजह से ठीक नहीं रहता, तो उसके लिए श्रद्धालुओं के लिए भी हम लोग एक अच्छा सा आश्रय स्थल यहाँ बनाने की सोच रहे हैं और उसके लिए प्लान के लिए हम लोगों ने बोल भी दिया है। एक छोटा पानी का तालाब टैंक भी यहाँ बनाने की बात है, वो भी हम करेंगे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा आती है, लोग ज़्यादा आते हैं, तो लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर जो टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है, जो थोड़ा अभी कमी है, उसको भी हम लोगों ने अपने प्लान में शामिल किया है और ये सब काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए मेरी समझ से ये चीज़ें देखने के लिए भी पुलिस को निर्देशित किया गया है, बाकी किस जमीन से, किस जगह से खनन हो रहा है उसके लिए यहाँ के SDM हैं, तहसीलदार हैं। लोगों में एक प्रवृत्ति यहाँ रही है कि कुछ लोग तो अपनी आवश्यकता से के हिसाब से मिट्टी ले जाते हैं, कुछ लोग व्यवसाय की दृष्टि से जो अवैध करते हैं, उन पर भी हम लोगों की निगाहें हैं। और आप देखिए, नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर।